लोकसभा चुनावों से ठीक पहले नुह में जननायक जनता पार्टी से बड़ा झटका लगा है। जेजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष व पूर्व प्रत्याशी तैयब हुसैन घासेड़िया ने जेजेपी को अलविदा कह दिया है और साथ ही साथ हरी पगड़ी पहनते हुए इनेलो में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया है। तैयब हुसैन घासेड़िया ने कहा, मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली से। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसी कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुट्टन नहीं दूंगा। कि सरकार में साझेदारी मिलने के बावजूद डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला नुह के विकास को लेकर गंभीर नहीं थे। बार बार उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा था, जिससे आहत होकर उन्होंने जेजेपी को छोड़ने का फैसला लिया है। फिजिकली तो पार्टी से पिछले 2-3 साल से दूर था, मानसिक रूप से तो फिजिकली मैंने नहीं छोड़ी थी। आज गाँव के बीच में, क्योंकि किरंज गाँव से मेरा पुराना नाता है, बहुत प्यार और लगाव है। मैंने ये 6-7 दिन पहले ही तय कर लिया था कि किरंज गांव की सरदारी में, जब अख्तर हुसैन जी ने प्रोग्राम किया था, कि वहीं सरदारी के सामने पार्टी छोड़ने की घोषणा करेंगे। नई जो एक पारी शुरू करनी है उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा। तो आज मैंने जेजेपी पार्टी को लोगों की प्रेजेंस में विधिवत रूप से छोड़ने का ऐलान किया है। अपना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को, जो मेरी पुरानी पार्टी है, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरपरस्ती में, माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के मार्गदर्शन में, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 5 तारीख को गुड़गांवा भाई अभय सिंह चौटाला जी के निवास स्थान पर पार्टी ज्वाइन विधिवत रूप से ज्वाइन। इस मौके पर तैयब हुसैन ने इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला और अभय सिंह चौटाला की तारीफों में जमकर कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को वो गुरुग्राम में अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इनेलो का दामन थामेंगे, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में अभय एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि वो करके दिखाते हैं। पहले भी अपने वक्तव्य में बताया था, मेवात के लोगों को इस परिवार से बड़ी उम्मीदें थी, और जब सरकार में भागीदारी हो गई 2019 में, तो और उम्मीदों को पंख लग गए थे। मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया, हमने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किए कि मेवात की जो दुश्वारी के हालात हैं, छोटे मोटे काम जितने भी हैं वो किए जाने चाहिए। जाहिर सी बात है, लोगों को जब परिवार से उम्मीद थी तो लोग हमारे पास भी आना शुरू किया। हमने अपने स्तर पर बहुत कोशिश की, माननीय दुष्यंत चौटाला जी के सामने मेवात की समस्याओं को रखा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सामने मेवात की समस्याओं को रखा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी के सामने पार्टी की इलाके की समस्याओं को रखा, लेकिन ढाक के 3 पात रहे। कहीं से कोई काम का हमें ऐसा नहीं लगा कि मेवात के प्रति ये सजग हैं और मेवात के प्रति ये काम करने में रुचि रखते हैं। तो उनको जब मैंने 2-3 साल देख करके महसूस किया कि मेवात के प्रति, विकास के प्रति ज़्यादा सचेत नहीं है, ज़्यादा गंभीर नहीं है, तो मैं फिजिकली पार्टी से दूर हो गया था। पिछले 2 साल से आप भी देख रहे हैं, किसी भी फंक्शन में मैं शामिल नहीं हो रहा था, केवल इसी दुख के साथ कि मेवात के लोगों को जो हमसे उम्मीदें थी वो हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। और जब अब वक्त आया है कि हमने सोचा कि शायद हो सकता है हमारे साइड दूर रहने से कुछ मेवात के प्रति ये कुछ सोच लें, लेकिन वहां भी रिजल्ट 0 निकला। तो आज मैंने पार्टी को छोड़ने का जो फैसला किया है, इस वजह से किया है कि जननायक जनता पार्टी मेवात क्षेत्र की समस्याओं के प्रति खरी नहीं उतरी। बता दें कि तैयब हुसैन घासेड़िया ने आज जेजेपी छोड़ने का ऐलान किया और इसके लिए बकायदा समर्थन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कई लोगों ने भाजपा कांग्रेस का दामन छोड़कर तैयब हुसैन को अपना समर्थन दिया और इनेलो में आस्था जताई। नुह से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।